तो दोस्तों ये हमारे पीछे आप देख रहे हो बिकवे के पीछे, लेकिन ये बहुत फेमस नहीं है क्योंकि लोग यहाँ आते नहीं है, बट दिस इज़ मोर ब्यूटिफुल देन द अदर बीच। बस से थोड़ा ये डिफरेंट रूट पे पड़ता है इसलिए लोगों को ये बहुत फेमस नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये सैंड बीच है। अदर बीच जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं वो इस रॉकी बीच है, तो यहाँ पे आप बहुत आराम से आ सकते हो। एक छोटी सी बीच है बट इज़ वेरी पीसफुल और वेरी क्लीन, और ये सैंड बीच है तो बच्चे भी बहुत आराम से खेल सकते हैं। और लोकेशन तो लिंक हमारे कैप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपको बिग टॉय आने के लिए बस नंबर 30 लेना है ऑस्लो सेंट्रल से। ये बस लगभग 20 से 25 मिनट आपको बिग टॉय पहुंचा देती है। ये 20 साइड तो नहीं है, लेकिन आपको 20 साइड जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर चलना होता है, जो कि थ्रू गार्डन्स है। इस गार्डन्स में आप बारबेक्यू कर सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो। तो ये सजेस्टेबल कि आप जब यहाँ पे आएँ तो अपने साथ बारबेक्यू लेके आएँ और साथ में कुछ स्पोर्ट्स लेके आएँ। यहाँ पे बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटी और भी हैं जो आप पूरे दिन थ्रू आउट कर सकते हो। इन एक्टिविटी के अलावा यहाँ और भी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे वॉशरूम है, बाथरूम है, कैफेज़ है, यू कैन यूज़ इट। बीच के साइड में जगह जगह पर बेंचेस लगे हैं, आप बेंच पे भी बैठ सकते हो। साथ बहुत सारी आगे जगह भी है जहाँ पे आप अपनी चादर या मैट बिछा के बैठ सकते हो। ऐसे तो ये बीच रॉकी है, लेकिन एक डे आउट के लिए इस एनफ। लेकिन अगर आपको सैंड बीच जाना है तो आप हमारे साथ बने रहिए और आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं सैंड बीच। ये बिग टॉय में ही है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। आप देख रहे हो कितना क्राउडेड है। इस बेसिकली फेमस फॉर सनबाथ, लोग यहाँ सनबाथ लेते हैं। ऐसे यहाँ जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर साइड से और थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ जगह मिल जाती है आपको। इन बीचेस में अगर आपको स्विमिंग आता है स्विमिंग कर सकते हैं, आपको कैकिंग आती है आप कैकिंग कर सकते हो। यू कैन ब्रिंग योर ओन बोट एंड इट्स अलाउड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।